नंबर फिफ्थ में इसमें जैसे बोला है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो सॉल्यूशन लिखेंगे लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी एक्स, क्या लेंगे पी एक्स लेंगे। नाउ द डिजिट डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस एट यूनिट प्लेस। तो जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से द डिजिट एट द टेन प्लेस इज 2x। नाउ द नंबर विच वी गेट दैट 10x प्लस एक्स, क्योंकि डिजिट 10 प्लेस दिया है, 10 प्लेस इज ट्वाइस, 10 प्लेस इज ट्वाइस मीन्स 10x इंटू 2x प्लस एक्स, ट्वाइस एक्स द यूनिट प्लेस। तो हमने यूनिट प्लेस पे भी क्या लिया था, x लिया था, तो इसीलिए क्या आया 10x इंटू 2x प्लस एक्स। सो इसके बाद सॉल्व करने के बाद जब मिलेगा 10 इंटू 2 मीन्स 20x प्लस एक्स मीन्स 21x, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे इसको। नाउ द नंबर ऑब्टेंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट मीन्स जो डिजिट हमको मिला था उसको वापस इंटरचेंज करेंगे। तो फिर इंटरचेंज करने के बाद में क्या मिलेगा, एक्स एट द टेन प्लेस एंड 2x एट द यूनिट प्लेस, क्योंकि इसमें अगर पहले कंडीशन में क्या बोला था यूनिट प्लेस पे x रहना चाहिए, लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या दिया है कि यूनिट प्लेस पे क्या रहना चाहिए 2x, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन थी इसको पूरा इंटरचेंज कर दिया है। तो उसके हिसाब से लिखेंगे अभी जैसे x एट 10 मतलब x जो 10 के प्लेस पे, तो इसका 10x हो जाएगा, और यूनिट प्लेस पे क्या बोला है 2x, 2x मीन्स प्लस 2x इज इक्वल टू, अभी 10x प्लस 2x मीन्स 12x, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड 1, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी है फ्रॉम द गिवन कंडीशंस मीन्स 21 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 21x प्लस 12x जो इक्वेशन नंबर 2 से मिला 12x इज इक्वल टू, अब इसमें क्या बोला था ओरिजिनल नंबर इज सम इज 66, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 66। नाउ अभी 21 प्लस 12 करेंगे तो इसका फाइनली आंसर जो आएगा 33x इज इक्वल टू 66, तो अभी 33x मतलब साइड चेंज करेंगे तो इसका 66/33, सो फाइनली जो आंसर मिलेगा 2। सो द ओरिजिनल नंबर जो हमको मिलेगा द नंबर इज, नंबर क्या मिलेगा 21x है ना, तो 21 इंटू 2 दैट इज 42। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 टिकट सोल्ड, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रुपीज कितना 100 टिकेट्स सोल्ड बी, हमको मालूम नहीं तो क्या लिखेंगे एक्स। नाउ द नंबर ऑफ टिकेट्स ऑफ रुपीज
of rupees 200 and tickets sold was 20. क्या दिया था इसमें, जिसे इसमें लिखा है ना कि the number of ticket of rupees 200 sold was 20 more than, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 more than the number of ticket of rupees कितना 100 number 100 रुपीज़ कितना लिखेंगे 100 sold. So the number of rupees 200 ticket sold. अभी जैसे इसमें हमने क्या लिया था, let the number of rupees 100 bx लिया था, और इसमें क्या बोला है 20 more मतलब 20 ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे x plus 20. Now the amount received by sale, जो अमाउंट मिला है टिकट बेचने के बाद, लिखा है the amount received by the sale of tickets is 100x, 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100x plus 200 बाद कितना मिला इसका, the number of 200 कितना न्यू ऑप्टेन मिला हमको x plus 20 मिला. तो फिर इसको the amount of rupees 37,000, क्योंकि इसमें दिया है क्वेश्चन में कि the number of amount received by the sale of ticket was 37,000, तो हमने वही 37,000 रिटर्न कर लिया है. तो फाइनली क्या लिखेंगे हम इसका, 100x plus 200x plus 20 इज इक्वल टू कितना लिखा था 37,000, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय हंड्रेड करेंगे, तो 100 इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी 100 मतलब जैसे कि 100 ऑलमोस्ट सब में कॉमन मिलेगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद x प्लस कितना आएगा, x plus 20 इज इक्वल टू 370. तो अभी x प्लस, अभी 2 इंटू x करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 20 करेंगे तो उससे कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 370. तो फिर इसका x प्लस 2x मीन्स 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 370. अभी 40 इधर पे प्लस साइन में, तो इसको जैसे 3x, तो साइड चेंज करने के बाद मीन्स 370 माइनस 40 इज इक्वल टू 330 3x, तो x इज इक्वल टू 330 अपन 3 दैट इज 110.